टू ए आर की, यानी बाय मॉलिक्यूल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। हमने अभी तक सिर्फ एलिफैटिक कंपाउंड के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा है। इससे पहले हमने एरोमेटिक के लिए क्यों नहीं देखा? क्योंकि पहली बात, आपके पास न्यूक्लियोफाइल में अपने आप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल में क्या है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, और बेंजीन रिंग में भी अपने आप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक चाहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक थोड़ी ना होगी। तो यहाँ कैसे हो रहा है, अगर बेंजीन पर कभी आपको ऐसा कोई ग्रुप दिख जाए जिसमें लिविंग ग्रुप के ऑर्थो या पेरा पे NO2 ग्रुप, स्ट्रॉन्ग विड्रोइंग ग्रुप दिख जाए, तो स्ट्रॉन्ग विड्रोइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा, तब ऐसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक कर पाएगा जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, और बहुत कम कब होगी, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो। NO2 अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप में क्यों है, क्योंकि ये -m इफेक्ट शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप की वजह से यहाँ बेंजीन पे एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब न्यूक्लियोफाइल इस जगह अटैक कर रहा है, ये वाला देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। बोलो क्लियर है या नहीं है? लेकिन वापस ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और जो आपका लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ आपको अलग से एक्स माइनस देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो यही हमारे पास है। तो अब आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं कि क्या इसके की पॉइंट्स क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनेंगे। पहला, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप स्ट्रांग होना चाहिए, और वो कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन ऑफ लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप शुड बी स्ट्रॉन्ग, लिखते जाए फर्स्ट नंबर का पॉइंट, शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड प्रेजेंट ऑर्थो और पैरा पोजिशंस। दूसरा पॉइंट, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अच्छा होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जितनी ज्यादा होगी रेट भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट, अगर एक से ज्यादा NO2 ग्रुप आ गए तो भी फायदा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे रेट भी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करते लिविंग ग्रुप में, तो लिविंग ग्रुप हमारे लिए यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, जनरली ऐसे फ्लोरीन नहीं बोल सकते, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे तो रेट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और यहाँ अगर फ्लोरीन है तो उल्टा चलेगा, क्योंकि फ्लोरीन है तो न्यूक्लियोफाइल इस जगह कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, किससे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट देगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन ज़्यादा फास्ट देगा एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, इस तरह से चलेगा ये, और ब्रोमीन ज्यादा फास्ट देगा एज कंपेयर टू आयोडीन। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में रखनी है, क्लियर है? आप चाहे तो आयोडीन यहां ही लिख लीजिए। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो ये छोटा सा पॉइंट था जो आपके काम आ रहा है। क्या रीजन बताया मैंने आपको, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, प्लस डेल्टा चार्ज ऑन कार्बन इज हाई एंड इजीली
न्यूक्लियोफाइल अटैक, तो ये आपके पास हो जाएगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन प्लस डेल्टा चार्ज डेंसिटी, यानी प्लस डेल्टा चार्ज ऑन कार्बन इज हाई रिलेटेड, यानी जस्ट कॉन्जुगेटेड कार्बन जो हो रहा है उससे उस पर ज़्यादा होगा, तो यहाँ प्लस डेल्टा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू यहाँ, तो यहीं पे अटैक करेगा। सिक्स, एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, वीक से काम नहीं चलेगा, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। और क्या हो चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से हो सकते हैं, यानी यहाँ न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं आपके ओ एच माइनस, या आपके पास क्या होंगे ओ आर माइनस, अब एच टू ओ जैसे को मत ले लेना या आर ओ एच को मत ले लेना, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये एस एन टू ए आर नहीं देंगे, वो देंगे ओ एच माइनस और आर ओ माइनस। तो ये आपके पास सिक्स नंबर का हो गया। सेवन नंबर का मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जितने ज़्यादा न्यूक्ल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है उतनी रिएक्शन क्या होगी, तेजी से होती चली जाएगी। तो एक और पॉइंट हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पल की फॉर्म में, यह आपके पास मान लीजिए आपने यहाँ फ्लोरीन ले लिया या एनओ टू ले लिया, यहाँ के ओ एच ले लिया, यहाँ आपने के ओ आर ले लिया, तो अंतर क्या रहेगा, यहाँ जो रिएक्शन देखने को मिलेगी फ्लोरीन की जगह ओ एच आ जाएगा और एनओ टू की जगह एनओ टू ही रहेगा, जबकि यहाँ क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी आपके पास ओ आर और एनओ टू। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ये सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड हो गया या सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये आपके लिए एस एन टू ए आर का रिविज़न पूरा हो गया है।